ओके okay, कल आपां माता गुजरी जी कर रहे सी ठीक है कवि है नंदलाल नूरपुरी थोनों मैं दस्या सी कल की छोटे साहिबजादियां दी शहादत बारे दस्या होया सी इस कविता दे विच ठीक है जदों उन्हां नूं गंगू रसोईया अपने नाल लै गया सीगा जदों वो गुरु गोबिंद सिंह जी तो सिरसा नदी के किनारे तो विछड़ गए सीगे ना गुरु जी का पूरा परिवार सी उन्हां दे नाल वड्डे साहिबजादे भी सन छोटे भी सन माता गुजरी जी भी सन सारे विछड़ गए। माता गुजरी जी दे नाल दो छोटे साहिबजादे आ गए ठीक है कौन साहिबजादा जोरावर सिंह जी ते साहिबजादा फतेह सिंह जी इन्हां दे नाल आ गए ते इन्हां नूं बाद विच गंगू रसोईया जिहड़ा है वो अपनी पिंड सहेड़ी लै गया ठीक है ते उत्थे जाके उन्हें पहलां ते उन्हां नूं अपने घर विच रखिया। बाद विच सरहिंद दा जिहड़ा वजीर सी नवाब सी उन्हूं पता लगा कि गंगू रसोईये दे घर रहिंदे हन बच्चे ठीक है माता गुजरी जी दे नाल। फिर उन्हें की कीता सी लालच दे दिता ठीक है गंगू रसोईये नूं लालच दे दिता ते गंगू रसोईया लालच विच आ गया मोहरां दे लालच विच आ गया ते उन्हें की कीता कि छोटे साहिबजादियां नूं ते माता गुजरी जी नूं वजीर दे हवाले कर दिता ठीक है ते उन्हां नूं फिर बाद विच पो महीना ठीक है दसंबर दा महीना जिहड़ा पिछले लंघ के गया है 23 दसंबर वो जिहड़ा पूरा हफ्ता सी वो शहादत दा आपां मनाया सी उस देखिया होएगा स्कूल विच भी मनाया गया सी ठीक है ते उस टाइम इन्नी सर्दी दे विच उन्हों बिल्कुल भी तरस नहीं आया ते उन्हें छोटे छोटे बालां नूं ते माता गुजरी जी नूं ठंडे बुरज विच कैद कर दिता ठीक है जो कि अज भी है ठंडा बुरज राइट ते उत्थे रह के उन्होंने रब दा नाम लिता उन्होंने फिर भी रब दा भाणा मन्निया पर सरहिंद दा जिहड़ा नवाब सी उन्हें बाद विच छोटे साहिबजादे नूं बहुत लालच दिता कि तुसीं धर्म परिवर्तन कर लो तुहानूं मैं छड देवांगा बख्श देवांगा पर उन्होंने देखो उन्होंने सिक्खी की जिहड़ी शहादत की दास्तान सी वह शुरू हुई सी पहला तो सब तो पहला किन्ने किया श्री गुरु अर्जन देव जी ने शहादत दी सी ठीक है उन्होंने शहीदा के सरताज भी कहा जाता है ये हौली हौली जा कितना कितने उन्होंने विरासत विच मिली सी ठीक है। फिर उस तो बाद विच उन्होंने दादा जी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने पुकार से की किया सी अपनी जान कुर्बान कर दी सी। फिर उन्होंने पिता जी मतलब पूरा उन्होंने जोड़ा वंश है वो इसे ही धर्म की रक्षा के लिए शहादत प्राप्त कर गया सी। फिर वो भी क्यों ना पिछे हटन उन्होंने भी मौत नू हंस के कबूलिया ते उन्होंने सरहंद दियां नीहां विच जिउंदियां ही चणवा दिता गया ठीक है। कहा जाता है कि छोटे साहबजादे फिर भी उन्होंने शहीदी प्राप्त नहीं सी हुई वो जिउंदे ही सन ठीक ते बाद विच उन्होंने गले जड़े सन वो कट दिते गए सन उन्होंने रब का नाम लेंदे लेंदे हस के अपनी शहीदी प्राप्त की सी। ते इसे ही शहीदी दी जिहड़ी दर्दनाक घटना है उन्हों इस कविता दे विच बयान किया होया है ठीक है। सो मैं हुण लाइन टू लाइन तो एक्सप्लेन नहीं करांगी बट एक बारी जस्ट ठीक है समरी कि माता गुजरी जी अद्धी रात नूं बैठे अपने चंदा दियां घोड़ियां गाँदे हन। घोड़ियां मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी जिहड़ियां आपां मुंडे दे विआह समें गाँदे हाँ क्योंकि उहनां ने मौत रूपी जिहड़ी लाड़ा जिहड़ी लाड़ी सी ठीक है उहनूं विआहण जाणा सी मतलब वो मौत नूं गल इदां लाण लई चले सन जिस तरह कि उह विआह करवाण चले होण। उहनां नूं पूरे उहनां ने एक लाड़े दे रूप विच सजाया होया सी। कलगी चार साहिबजादे मूवी विच भी यह सीन आया है शायद तुसीं देखा होए ठीक है ते उहनां नूं पूरे दुल्हा दे रूप विच सजा के भेजिया गया सी ठीक है। ते माता गुजरी जी कहिंदे हन मेरियां अखां दे तारे सन जिन्हां नूं मैं बहुत ज्यादा प्यार करदी हाँ हुण इह मैनूं किते वी नज़र नहीं आणे। ते जदों कहिंदे कि कल जदों मेरे कोल हल्ले उह सुत्ते होए सी हीरियां दी जोड़ी मेरे कोल सुती हुई सी तां मैं उहनां दे पिंडे ते उहनां दे शरीर ते हथ फेरदी हुई उहनां नूं कह रही सी कि मैं हुण जिहड़ी क्योंकि दिसंबर दी गल है तो उस तों बाद विच जनवरी आणी उह कहिंदे सी मैं तुहाडी लोहड़ी वंडांगी मतलब खुशियां मनावांगी ठीक है। ढिड दा सेक बुरा नहीं जिहड़ा माँ दा प्यार है उह बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि उहदे तों अगर उहदे बच्चे विछड़ जाण ते उह वाला दुख उहनां तों बर्दाश्त नहीं हुंदा ठीक है। फिर उन्हां नूं माता गुजरी जी नूं रात में एक सुपना आया सी। सुपना किदां दा कि जिहड़ी होणी है जिहड़ी किस्मत है उह उन्हां दे नाल लड़ पई। उह कहिंदी है कि जिहड़ियां तेरियां अखां दे तारे हन जिन्हां नूं तूं इन्ना प्यार करदी है इन्हां नूं मैं एक दिन अपने नाल लै के जाणा है ते इन्हां नूं जिउंदियां ही नीहां विच चिणवाणा है इट्टां विच चिणवा देणा है ठीक है। ते
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਇਹ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਉਹ ਉਛਲੀ ਭਰਨ ਕਲਾਵੇ, ਉਛਲੀ ਉਹ ਉਛਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣੀ, ਉਛਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਲੀ ਛੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਪੋਇਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਓਕੇ, ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਚੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਯੈਸ ਮੈਮ,
कविता माता गुजरी जी कवि नंद लाल पुरी दी लिखी हुई है। इस विच माता गुजरी जी ने अपने पोत्रियां साहिबजादा जोरावर सिंह जी अते साहिबजादा फतेह सिंह जी दी शहीदी मगरों उन्हां दे विछोड़े दे दुख नूं कोड़ियां गा के प्रकट कीता है। वह कह रहे सन कि उन्हां नूं अज अपनियां अखां दे तारियां दी रोशनी दिखाई नहीं दे रही अते उन्हां दे विछोड़े नूं सहना उन्हां लई बहुत औखा हो गया है। वह कहिंदे हन कि मेरे चन्न वर्गे पोतरे दा चानना किते भी नजर नहीं आ रहा है, भाव वह मैनू किते नजर नहीं आ रहे हैं। माता गुजरी जी कहिंदे हन कि कल मेरे हीरियां दी जोड़ी भाव मेरे पोतरे सोन लगे ता उन्हां दे मेरे कोमल ता मैं उन्हां दे कोमल शरीरां उत्ते हथ फेर के कह रही सी कि मैं उन्हां दी लोहड़ी वंडांगी, पर वह ता अज मेरे कोलो सदा ही चले गए हन। कवि कहिंदा है कि माता गुजरी जी कहिंदे हन कि एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी दे दोवें साहिबजादे उन्हां तों पुछदे सन कि दादी जी असीं अपने पिता जी कोल कर जाना है। इस वारी जदों पिता जी सानूं मिले तां असीं हस हस के अते रज रज के उन्हां दे नाल गल लगना है। इह गल सुन के माता गुजरी जी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्ने छोटे बच्चों तो इन्नी वड्डी गल सुन के उन्होंने थोड़ी सी हैरानी होंगी है। ते कवि अंत विच कहिंदा है कि माता गुजरी जी कहिंदे हन कि कल तक तो मेरे छोटे पोतरे मेरे कोल मेरे नाल बसते सन, पर अज वह मैनू किसी पासे भी नजर नहीं आ रहे। और निक्के निक्के मासूम बच्चे अपना हाल किसनू सुनांदे होंगे। कवि कहिंदा है कि माता गुजरी जी कहिंदे हन कि उन्होंने लभो तो सही मेरी अखां नूं नींद नहीं आ गई जदों तक मेरे पोतरे मैनू मिलनगे नहीं। ते इस विच माता गुजरी जी दा दुख प्रगट कीता गया है। ठीक है, गुड। साहिबजादा विछोड़े दी दर्दनाक घटना नूं बयान किया होया है। ठीक है, सो केंद्री भाव तुसी कॉपी ते नहीं लिखना इहदा। ओके, यस दिया, कविता माता गुजरी जी कवि नंद लाल नूरपुरी दी लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता विच कवि ने छोटे साहिबजादियां दी शहीदी मगरों उन्हां दे विछोड़े अते शहीदी दे दर्द नूं माता गुजरी जी वल्लों कोड़ियां गा के प्रगट करदिआं दर्शाया गया है। कविता विच दस्या गया है कि माता गुजरी जी अद्धी रात दे समय बैठ के शहीद अपने शहीद हो चुके पोतरिआं दे विछोड़े दे दर्द नूं कोड़ियां गा के प्रगट करदे सन। कविता विच माता गुजरी जी आप रहे माता गुजरी जी आप दसदे हन कि आखदे हन कि उन्हां नूं एक बुरा सपना आया जो आखिर विच सच हो गया। उन्हां दे हीरे वर्गे पोतरियां दी चमक नूं इट्टां विच बंद कर दिता गया। वह दोवें पोतरां एक दिन उन्हां तों दोहे पोतरां पोतरियां पुछदे हन कि वह पिता जी तो कदों मिलनगे। ये सुन ते आखदे हन कि इस बार वह रज के उन्हां नाल गल लगेंगे लगेंगे ते हस हस के गल्लां करांगे। ये सुन के माता गुजरी जी दी अखां विच अथरू आ गए ते उन्हां दा सीना छली छली हो गया। ते अंत विच इस कविता विच कवि ने माता गुजरी जी दे दर्द नूं बयान कीता है। राइट बेटा, ठीक है। केंद्रीय भाव तुसीं फिर कॉपी ते नहीं लिखना, सिर्फ तुहानूं कविता दे विचों दी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर ही पुछे जाणगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कविता दा नाम लिख लो, कवि दा नाम लिख लो। ठीक है, एक वाक प्रश्न उत्तर। सो पहला आपां कवि बारे लिखांगे। ठीक है, यस अश्मित मैम, डायरेक्ट फिर कॉपी में लिखें? फिर कॉपी पे लिख लो। ओके मैम। ठीक है, सो फर्स्टली कवि बारे पहला ते थानू कविता दे कवि दा नाम पता होना चाहिए है। ठीक है, उस तो बाद विच ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਰਾਈਟ,
नंद लाल नूरपुरी का जन्म कित्थे होया? ठीक है, ऑलरेडी तुहाडे कोल कवि दे बारे विच इनफॉर्मेशन है, तो तुसी इहदे आंसर्स कंप्लीट करने ने, राइट? कित्थे होया सी जन्म? हाँ जी अशप्रीत। नंद लाल नूरपुरी का जन्म जिला लायलपुर पाकिस्तान विच होया सी। ठीक है, जिला लायलपुर पाकिस्तान। ठीक है, फिर तुसी लिख सकते हो कदों जन्म होया कदों। ठीक है, ये तुहाडे बुक विच नहीं है। ओके, हाँ जी दिया। नंद लाल नूरपुरी का जन्म 1906 ईस्वी विच होया। ओके गुड, ठीक है, 1906 या इन्हों का जीवन काल लिख लो तुसी, 1906 तो 1966। ठीक है, या अलग क्वेश्चन बना लो, जन्म 1906 विच होया, ठीक है, वो अपा बाद विच कर लवांगे कि इन्हों की मौत कदों हुई। देन थर्ड लिखो कि ए ना यह बहुता समा किथे रहे, नंद लाल नूरपुरी बहुता समा किथे रहे? रमनी। नंद लाल पुरी बहुता समा जलंधर विच रहे। नंद लाल नूरपुरी, नूरपुरी सर, हाँ नूरपुरी, नूरपुरी, ठीक है, बहुता समा जलंधर विखे, किथे? मॉडल हाउस, राइट। देन तुसी नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, जलंधर विखे रहे। फिर तुसी फोर्थ क्वेश्चन ला सकते हो, एक केहो जिहे कवि सन? फोर्थ क्वेश्चन लिख सकते हो, नंद लाल नूरपुरी केहो जिहे कवि सन? अर्शप्रीत। नंद लाल नूरपुरी एक फकर कवि सन। ठीक है, फकर कवि, फकर मतलब जिन्हों ने फकीरी धारण की हो, जिन्हों का बहुत ज्यादा दुनिया के नाल कोई इन्ना लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी मौज मस्ती विच अपनी रचनावां लिखते सन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हों ने केड़ा काव रचिया? काव किस तरह का काव इन्होंने रचिया सी? दिया। नंद लाल नूरपुरी ने लोक काव रचिया। लोक काव, लोक काव क्यों होता है? लोक गीत जेड़े लोकां दे दिया शब्दां विच गाए जान। ठीक है, लोक काव होता है जिस तरह गीत हो गए, गजल हो गए, जिहड़े लोकां दे लई या लोकां दी भाषा विच गाए जांदे हन, आम भाषा विच जिहनूं आम लोकी भी सुन सकदे हन, उहनां नूं तां कहिंदे लोक काव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नंद लाल नूरपुरी दे गीत या कवि दे गीत किस तरह दे लगदे सन? नंद लाल नूरपुरी दे गीत किस तरह दे लगदे सन? दिया। मैम इसका नहीं आता। ओके, ठीक है, उन्हां दे गीत किस तरह दे लगदे सन? लोकां दे रूह दी आवाज सी हो, ठीक है, कि लोकी उन्हां नूं बहुत ज्यादा गाना पसंद करदे सन, लोकां दे रूह दी आवाज सन। ठीक, नेक्स्ट लिखो, ओना दे गीत अक्सर कौन गुणगुणांदा सी? ओना दे गीत अक्सर कौन गुणगुणांदा सी? रमनीक। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਕਸਰ ਗੱਭਰੂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕੌਣ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਫਿਰ
फिर तुसी नेक्स्ट लिखना है उना दे मशहूर गीत, ठीक है, कवि दे मशहूर गीत केड़े केड़े सन, गीत ऑलरेडी थोड़ी बुक ते लिखे हुए हैं, राइट, मशहूर गीत। अर्शप्रीत, इथो उज्जा पोलिया पंछिया चुम चुम रखो नी ए कलगी जुजारती कानू वे पिपला खड़ खड़ लाई है। ठीक है, ये तीन गीत ने, इना नू देख के ता लिख लियो, स्पेलिंग थोड़े ध्यान ना लिख लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इना दियां कवितावां या कवि दियां कवितावां किस किताब विच दर्ज हन, दर्ज मतलब ओदे विच इंक्लूडेड हन, सारियां दियां सारियां जिन्नियां भी इना दियां कवितावां हन ओदा एक काव्य संग्रह बनिया होया है, ठीक है, इना दियां कवितावां पंजाब बोलिया विच, इना दियां कवितावां किस किताब विच दर्ज हन, ठीक है, पंजाब बोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि दा अंतला समा किस तरह दा बीतिया, कवि दा अंतला समा किस तरह दा बीतिया, किस तरह दा बीतिया सी इना दा अंत, अंतिम समा अंतला, ठीक है, या तुसी अंत समा भी लिख सकते हो, अंतला भी लिख सकते हो, किस तरह दा बीतिया सी, बहुत ही गरीबी भरिया, ठीक है, लिखा होया थोड़ी पर आपका अंतरा समा बहुत ही गरीबी भरिया बीतिया सी, राइट, चाहे इन्होंने बहुत सारे मशहूर गीत लिखे सी, चाहे बहुत ज्यादा फेमस कवि सी, पर पहला पहला जिन्हें कवि होंगे थे ना बेटा वह इन्ने ज्यादा कह लो कि रिच नहीं सन, क्योंकि उन्होंने पैसे का कोई लोभ लालच नहीं सी हुंदा, वो सिर्फ लोगों के लिए कवितावां या लोगों के लिए गीत लिखते सन, सिर्फ वो मनोरंजन करते सन लोगों का, तो इसलिए पैसे का लोभ लालच नहीं सी, तो इन्हों का समा जिहड़ा है वो गरीबी भरिया बीतिया, राइट। लास्ट क्वेश्चन है कवि दे नाल रिलेटेड, मौत ऑलरेडी आप कर चुके हाँ, जीवन काल भी पूछा जा सकता है थानू, जीवन काल मीनस स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, या अलग क्वेश्चन आ सकता है, इन्हों की मौत कदों हुई 1966 ईस्वी विच, राइट। सो ये कवि दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कविता दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है माता गुजरी जी कविता किस सी रची हुई है, या माता गुजरी जी कविता किस सी लिखी हुई है, आंसर थानू सब नू पता ही है दा, ठीक है, माता गुजरी जी कविता किस दी लिखी हुई है, यह भी पूछा जा सकता है कि माता गुजरी जी कविता तुहाडी किस पाठ पुस्तक विच दर्ज है, ठीक है, माता गुजरी जी कविता तुहाडी किस पाठ पुस्तक विच दर्ज है, केड़ी पुस्तक विच है दिया, साहित्यमाला, साहित्यमाला, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखो जी, माता गुजरी जी कौन सन, रमी, माता गुजरी जी साहिबजादियां दे दादे सन ते गुरु तेग बहादुर जी दे पत्नी सन, ठीक है, माता गुजरी जी कौन सन, ये भी तुसी सारा लिख सकते हो, साहिबजादियां दे दादी जी सन, गुरु तेग बहादुर जी दे पत्नी जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी, ठीक है, तीनों ही लिख लो, राइट। नेक्स्ट लिखो, चार साहिबजादियां दे नाम लिखो, चार साहिबजादियां दे नाम लिखो, अर्शप्रीत,
साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी। वेरी गुड, ठीक है। चार साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, ठीक है, देन साहिबजादा जोरावर सिंह जी, पहला जुझार सिंह जी लिख लो, ठीक है, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, ते साहिबजादा फतेह सिंह जी, ठीक है। ये सन चार साहिबजादियां दे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, क्योंकि जिहड़ी कविता है ये छोटे साहिबजादियां दे नाल रिलेटेड है, ठीक है, ते छोटे साहिबजादे अगला तुसी क्वेश्चन बना सकते हो, या तुसी ओही वाले क्वेश्चन दे ब्रैकेट विच कर सकते हो, इन्हां दोनों का नाम लिख के लिख सकते हो, छोटे साहिबजादे, ठीक है, साहिबजादा जोरावर सिंह जी ते साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटे साहिबजादे सन, ठीक है। फौ दे पैच बिंदी है फतेह सिंह जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अद्धी राती माता गुजरी जी की कर रहे सन। अद्धी राती या अद्धी रात नू माता गुजरी जी की कर रहे सन। रमी, अद्धी राती माता गुजरी जी घोड़ियां गा रहे सन। ठीक है, अद्धी राती माता गुजरी जी की कर रहे सन, घोड़ियां गा रहे सन, किन्हां दियां घोड़ियां गा रहे सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लिख लो, माता गुजरी जी किन्हां दियां घोड़ियां गा रहे सन। पहला मुझे था अद्धी राती माता गुजरी जी की कर रहे सन, फिर माता गुजरी जी किन्हां दियां घोड़ियां गा रहे सन। अशप्रीत, माता गुजरी जी, माता गुजरी जी चंदा दियां घोड़ियां गा रहे सन। चंद कौन से? छोटे साहिबजादे। छोटे साहिबजादे, ठीक है, फिर आपा छोटे साहिबजादे आंसर लिखांगे, राइट, क्लियर बेटा। छोटे साहिबजादियां दे दादा जी ते पिता जी दा की नाम सी। छोटे साहिबजादियां दे दादा जी ते पिता जी दा की नाम सी। दिया, छोटे साहिबजादियां दे दादा जी दे दादा जी दा नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी सी ते उन्हां दे पिता जी दा नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सी। ठीक है, दादा जी श्री गुरु तेग बहादुर जी भी लिख सकते हो, जो कि सिखां दे नौवें गुरु सन, ठीक है, पूछा जा सकता है। ते पिता जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि सिखां दे दसवें गुरु सन, ठीक है, मतलब इन्हां दे परिवार बारे पता होना चाहिए है तुहानू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, छोटे साहिबजादियां दे, छोटे साहिबजादियां दे शरीर ते हाथ फेरदियां माता गुजरी जी की कह रहे सन। छोटे साहिबजादियां दे शरीर ते हाथ फेरदियां, ठीक है, फेरदियां दे विच दद्दे नूं सिहारी आएगी। छोटे साहिबजादियां दे शरीर ते, या पिंडे भी आ सकता है, शरीर ते हाथ फेरदियां माता गुजरी जी की कह रहे सन। की कह रहे सन माता गुजरी जी?
रमी ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਣ।